तो जी कैसे हैं माय ऑल फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद शहबाज, टाइगर फोर्स सारे फ्रेंड जो है हम यहाँ शमशाबाद में मौजूद हैं राणा साहब के ऑफिस में। तो आज जो है वो जिस हवाले से हमें यहाँ इनवाइट किया गया सारे फ्रेंड को, तो बेसिकली जो है ये आप देख सकते हैं 1122 की जो बाइक है, ये राणा साहब को आज जो है वो खिदमत के लिए यहाँ पे मिल चुकी हैं। तो यहाँ कैंप लगा दिया गया, यहाँ वहाँ कैंट के अंदर ही बैठे हुए हैं सारे दोस्त। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सब यहाँ पे मौजूद हैं, राणा साहब भी वो खड़े हैं, और ये बाइक बेसिकली अब यहाँ पर ही रहेंगी। तो जो यहाँ करीब के लोग होंगे उनको कोई मसला मसाइल पेश होगा तो ये फौरी जो है वो कॉपरेट करेंगे। UC1 शमशाबाद। तो जी ये राणा साहब का ऑफिस है, हम यहाँ पे मौजूद हैं सारे फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं सारे वहाँ पर बैठे हुए हैं सामने, और जो है बातचीत चल रही है, वो डिस्कस हो रही है। ठीक है, आज जो है वो 1122 की ओपनिंग है, तो इस हवाले से जो है वो सारे इकट्ठे हुए हैं सारे फ्रेंड, राणा साहब भी मौजूद हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद में राणा साहब जो बातचीत करेंगे उसका भी आपको रिव्यू करवाएंगे। अमल तो मेहर माँ है भी, अमल तो मेहर माँ है भी, जो शाह का शाह दीन दीन की मना हुसैन है या हुसैन है।
दावत इकराम पाक के लिए मैं दावत दूंगा सुजैमा को जो आएँ और अल्लाह के पाक कलाम में से चंद आयात तिलावत फरमाएं। क्याम अमल में स्कीम अपना किरदार अदा करेगी, कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का किरदार क्या है कि खुदा ना खास्ता कहीं एमरजेंसी की पेशेंट बीमार है या कोई हादसा हो जाता है, जहाँ पे एक तरह की छोटी गलियाँ हैं वहाँ से मोटरसाइकिल का गुजरना भी मुश्किल होता है, वहाँ पे ये लोग अपनी मोटरसाइकिल्स के साथ, अपने बैग के साथ, अपने अमले के साथ फिर फोर वहाँ पे पहुँचेंगे और इंशाल्लाह अज़ीज़ इस मोहल्ला शमसाबाद को उन जो नागहानी आफात और लोगों को बचाने में मदद फराहम करेंगे। और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एफर्ट है मेरे भाई आबिद जदरान और राणा अब्दुल खालिक साहब की, मैं इनको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के हमारे तकरीब के अंदर आने वाले मेहमाना ने गिरामी जनाब रिजवान असलम भट्ट साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, गुजरावाला के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि वाहद ऐसा शख्स है जो बाग दौड़ के अंदर किसी कमी का मुतामल नहीं है, जब भी जहाँ भी लोगों ने इस बंदे को बुलाया है इसने दिल से काम भी किया है और काम करवा के दिखाया भी है। मैं जनाब को वेलकम करता हूँ। इनके साथ मौजूद है जनाब नवीन खालिद साहब, चेयरमैन पंजाब अमन कौंसिल पंजाब के, ये भी फलाही कामों के अंदर इनका भी नाम सफ़े अव्वल में सबसे मोहताज नहीं है। ये राणा अब्दुल खालिक और आबिद जदरान ये कहते हैं कि ये हमारे बड़े हैं और हम इनके तवस्सुल से इसी बात के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नाम सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह मैं वेलकम करूँगा जनाब अंजुम शहजाद चीमा साहब को, RSO हैं रेस्क्यू 1122 के, हमारे साथ यहाँ पे राजा अजीज़ साहब, सबका काउंसलर राजा अफजाल अजीज़ साहब, जनाब बाबू अनवर राजपूत साहब, सबका जनरल काउंसलर जनाब जावेद साहब, सदर है पाक कश्मीर वेलफेयर सोसाइटी के जनाब शाहद भट्ट साहब, और जितनी भी टाइगर फोर्स जिसके तावन के साथ आज सजाई जा रही है और जिसके तावन के साथ यहाँ पे रेस्क्यू का क्याम जो है वो उसके स्टेशन का क्याम अमल में लाया जा रहा है, मैं इन तमाम को दिल की आसाजाइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं सबसे पहले दावत दूँगा जनाब आबिद जदरान साहब को कि आएँ और अपने ख्याल से मैं तमाम मौजूद मेहमानों ने ग्रामीण सबसे पहले जनाब चौधरी मोहम्मद रिजवान अहमद भट्ट साहब उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और जो है सिटी के पीटीए की जनरल सेक्रेटरी भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मीरा वाला की शान है और पीटीए के मुशर्रफ रुकन है और हमारे दिलों की धड़कन इस मोहल्ले की शान, इस हिंसी की शान और मीरा वाला में किसी तारफ के मोहताज नहीं, वो ऐसी शख्सियत है जिनकी जिनको देखकर हमें ये शौक पैदा हुआ कि हमने भी लोगों की खिदमत के लिए आगे आना है और सारी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह उनकी लोगों की खिदमत में गुजरी है। जनाब चौधरी मोहम्मद सफदर भुट्टा साहब मैं इनको दिल्ली को अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और वेलकम करता हूँ और मेरे नहायत ही मोहतरम राजा अब्दुल अजीज साहब जो के साबका जनरल काउंसलर हैं कश्मीर टाउन से वो भी तशरीफ फरमाए, जनाब बहू अनवर साहब साबका लेबर काउंसलर हैं कश्मीर टाउन के, राजा अफजाल साहब, मलक जवेद साहब जो के सदर हैं पाक कश्मीर वेलफेयर सोसाइटी के, जनाब आज की तकरीब के मरकजी मेहमान जनाब शिराज अजम साहब जो रेस्क्यू 1122 के अपना प्रेसिडेंट है, वीरा वाला के चेयरमैन है और नवीन खालिद साहब, जितनी भी शख्सियात यहाँ पे मौजूद है जिनका नाम नहीं ले सका उनको सबको दिल की कथा करने से मैं खुश आमदीद कहता हूँ। असल में हमारा मकसद अवामी खिदमत है और अल्लाह की मेहरबानी से ये अज़म लेके हम चले हैं तो ये इसके लिए एक शेर कहूँगा, अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते के कारवां बनता गया।
मैं जनाब आप तमाम दोस्तों को आज इस पुरवकार तकरीब के छोटे से टाइम में आपको इतला दी और पुरवकार तकरीब इनकाद करने में मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अंजुम साहब हमारे भाई हैं, इनसे मुशावरत के बाद हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे हमारे यूसी वन के लिए एक एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है उसका दफ्तर बनाया जाए। तो इन सब भाइयों की मुशावरत के साथ बकायदा आपके इलाके में ये फलाही काम होने जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इसका अजर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से भी मिलेगा और आप लोग भी उसमें भरपूर जो है वो फैजियाब होंगे। बातें बहुत हैं, बस आप सब दोस्तों का शुक्रिया जनाब, और भी दोस्तों को बात करनी है तो मैं जनाब राणा खालिद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद भी कह रहे थे और उनको शुक्रिया भी अदा कर रहे थे। मैं बताता चलूँ रिजवान असलम भट्ट साहब के तवस्सु से हमने डिफरेंट यूसी के अंदर काम करवाया। बताते खुद हमने यूसी 28 के अंदर गलियां भी बनवाई, सी गैस के पाइप भी डलवाए। वहाँ पे बहुत सारी रुकावटें थी तो जब भी इनको कॉल करते तो ये कहते थे तुम शुरू करा काम से अपने स्टेशन का क्याम अमल में ला रही है और इंशाअल्लाह अजीज आने वाले दिनों के अंदर डिफरेंट यूसी के अंदर ये रेस्क्यू स्टेशन जो है वो वजूद में आएंगे। मैं दावत दूंगा जनाब अलम शहजाद चीना साहब को जो आरएसए हैं रेस्क्यू वन मजदूर के वो तशरीफ लाए और अपने सवाल का इजहार करें। जनाब बहुत शुक्रिया, आप मुझे बहुत ज़्यादा बता दिया आज की हमारी तकरीब के रोटे जनाब रिजवान असलम भट्ट साहब ने। मैं तो आपके साथ जो है ना एक तरह से उसमें भी शामिल हूँ क्योंकि मैं सर आपको बताता चलूँ कि यूसी वन की जो टीम है इन्होंने रेस्क्यू के साथ मिलकर हर लेवल पर बहुत काम किया। उसमें हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो चूँकि ये इनका क्याम अमल में लाया गया है तो डी सी साहब की डायरेक्शन पे सी सी टी वी उस्मान सिकंदर साहब थे उन्होंने मुझे डायरेक्शन दी कि हम ये जितने भी अपने जवान हैं बाकायदा ट्रेनिंग करवाएं क्योंकि देखिए एक चीज़ है वो डायरेक्टली आप शुरू करें उसका वो इम्पैक्ट मिलता है जो बाकायदा ट्रेनिंग के साथ मिलता है। तो ये यूसी वन के जवान सबसे पहले हमारे पास आए और आप यकीन माने कि ना कोई यहाँ को कोरोना को डर था ना कोई बाकी चीज़ें थी। उन्होंने बहुत एक्टिव तरीके से सारी ट्रेनिंग हासिल की और उसके बाद ये डिफरेंट एक्टिविटीज में हमारे साथ इन्वॉल्व हो गए। मैं आपको बताता चलूँ कि रूटीन में हमारा जो है ना वो इस तरह से है प्लान ऑफ एक्शन की हर यूनिट दूसरे लेवल पे हमने कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट्स जो है ना तश्कील दी लेकिन सब जगहों पर जो है ना वो स्टेशन बनाना नहीं हो सका। आपको अंदाज़ा है कि दूजा वाले की आबादी अब जो है ना वो काफ़ी बढ़ गई है जिसकी वजह से हर जगह पे स्पेसिफिकली जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये एक ऐसी जगह है कि आपको पता है यहाँ पे एम्बुलेंस का डायरेक्ट भी फ़ौरन आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हमारे आने से पहले भी लोग उसी सिलसिले में हमने टीमों पर ट्रेन किया और फिर सर हमारा एक ना दिसंबर में नेशनल लेवल का कंपटीशन होता है तमाम जितनी भी टीम्स हमने एनरोल की पहले वो गुजरांवाला में होता है। गुजरांवाला में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूसी वन की टीम जो है इसने विन किया और नेशनल कंपटीशन के लिए एलिजिबल करार पाए। वहाँ पर सर ये गवर्नर साहब इसको हेड करते हैं और इस जो मुकाबला है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस टीम ने जो है ना वो नुमाया पोजिशन हासिल की आउट ऑफ 35 टीम्स जो है इनका जो है ना वो बड़ा अच्छा जो है वो रिस्पांस रहा वहाँ पे। स्पेशली सर गवर्नर साहब ने पूछा वहाँ पे कि जो टाइगर फोर्स की टीम किस जिले से तो इनका इतनी अच्छी कंट्रीब्यूशन थी। उसके बाद सर यहाँ पे गुजरांवाला में हम कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स और स्टेशंस का इनकार करना चाह रहे थे तो स्पेशली हमने डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 112 की हदायत पे सबसे पहले यूसी वन का इंतखाब किया और स्पेशली इसके लिए अप्रूवल लिया
और यहाँ पे इंशाल्लाह जो है हमारी मोटर बाइक सर्विस और बस हमारा जो कम्युनिटी के जवान है ये राउंड द क्लॉक आपकी खिदमत के लिए मौजूद होंगे। उसमें आपको जो फर्स्ट एड की सर्विसेज हैं जो पहले थोड़ा सा उसमें डिले हो जाता था तंग गली की वजह से, अब इंशाल्लाह वो आपके डोर स्टेप पे आपको फौरी तौर पर मुहैया होंगे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने इस सारा जो है सिस्टम उसका इनकार किया और स्पेशली सर आपका कि आप लोगों ने बीइंग ए टीम कैप्टन ऑफ टाइगर फोर्स भुजावाला आपने इसको इतने अच्छे तरीके से लीड किया। इस वक्त लाशुबा जो भुजावाला की टाइगर फोर्स टीम है वो एक बहुत नुमायाँ अच्छे तरीके से लीड किया। इस वक्त लाशुबा जो भुजावाला की टाइगर फोर्स टीम है वो एक बहुत नुमायाँ जो है ना वो कारकर्दगी पूरे पंजाब लेवल पर दिखा रही है और इसको स्पेशली एक्नॉलेज भी किया है कि टाइगर फोर्स के जो पेज है उसके जी बहुत शुक्रिया। जनाब जनाब सफदर गुप्ता साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनका तस्करा अक्सर उस्ताद मोहतरम जनाब अली असगर नाज अंसारी साहब के मुँह से सुनते रहे। आज आज इनकी राह रास्त हम बात सुनेंगे। मैं दावा दूंगा के इलाके में ना सियासी सूरत हाल के हवाले से बहुत सारी शहमियाँ हुई हैं और बड़ी अफवाहें फैलती हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जनाब मोहम्मद सफदर चौधरी मोहम्मद सफदर भुट्टा साहब हमारे बड़े भाई हैं और बलदियाती इंतखाबात हों या कौमी असम्बली के इंतखाबात हों ये हमारे बड़े भाई हैं, ये खुद मुख्तार हैं हमारी तरफ से। ये जो भी फैसले करेंगे खुद इलेक्शन लड़े इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह इनके साथ हैं जिस तरह अपने लिए आएंगे। अगर ये किसी के सर पे दस्तशत रखेंगे हमारी सपोर्ट करेंगे फिर भी इनको पूरा तैयार है, हमें किसी ओहदे की कोई लालच नहीं, हमारे बड़े भाई हैं आप सब अहद इलाका सुन रहे हैं ये सब इनको तैयार है। चौधरी मोहम्मद सफदर भुट्टा साहब को आइंदा बल्दियाती इंतखाबात इंशाल्लाह ताला हम इनकी सरबराही में मुनक़द करवाएंगे और जो भी कोई सेटअप बनेगा वो इंशाल्लाह ताला चौधरी मोहम्मद सफदर भुट्टा साहब के साथ बनेगा। ये जितनी भी अफवाहें हैं ये सब सुनने उनको वाजे ऐलान है ये नोट कर ले वो चाहे वो कोई हमारा साथ जज्बाती दिल की आवाज है। मैं दावा दूंगा जनाब सफदर भुट्टा साहब को आए और अपनी ख्यालात के साथ रहते हैं सियासी ऐसी बातें होती रहती हैं और फाइनल पार्टी या शमशाबाद की जो है वो इंशाल्लाह ताला असर बढ़ सकता है। बाकी रहा कि ये रेस्क्यू 112 को मुझे खुशी हुई है हमारे सामने यहाँ पे ये पहला फिर होता है और शमशाबाद ने कभी भी कोई किस्म की सुविधा डिमांड नहीं की और जिस तरह इन्होंने इसका इब्तदा किया है मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ बहुत से मसाइल हैं ये हमारे साहबान जो हैं चंद्रान साहब या खालिक साहब इनको चाहिए कि दूसरी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। ये इलेक्शन लड़ना जो है आसान होता है आपके लिए जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं हर आदमी आ जाता है ये चीज़ें आने वाली हैं पूरी वर्षा भी हाल आए ये रिस्क्यू वन का नंबर टू आया बहुत खुशी हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फंक्शन जो होगा और ये प्रॉपर टाइम वाइज जो राह भी मिलेगी जो हम नाराज हो मैं इसके बाद खुशी अदा करता हूँ और डॉक्टर साहब और ये जो आप हैं ये आप फाइनल थार्टी है बातें होंगी बहुत होंगी पर फाइनल आप है और आप जो फैसले थे उस पर मैं इंशाल्लाह मैं वो करता हूँ। मैं दावा दूंगा आज की तकरीर के हमारे होस्ट जनाब राणा अब्दुल खालिक साहब कन्वीनर टाइगर फोर्स सिटी भुजावाला टाइगर फोर्स की भरपूर तालियों के अंदर जनाब राणा अब्दुल खालिक।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने मेहमान जनाब जवान असलम भट्ट साहब, सफदर भुट्टा साहब, ओ अनवर साहब, राजा अजीज साहब, नवीद साहब, मेरे वो भी मुख्तरम रंजब चीमा साहब और मेरी जितनी ये टाइगर फोर्स UC1 की और सिटी की टीम जो है, आप सबको तहे दिल से मैं खुशामदीद कहता हूँ। बट सर, जैसे हमारे बड़े भाई भुट्टा साहब ने कहा कि स्पेशली पिछले 14-15 साल से शमसाबाद जो है वो खराबियों का शिकार है। आज चले ये मौका नहीं है, लेकिन हम आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी 2-4 जो गलियाँ हैं वो बनने वाली हैं, या पानी का मसला है वो आपकी मेहरबानी है, वो आप जरा हल करवा दें। बाकी मामला जो है इंशाल्लाह बैठ के आपसे हो जाएंगे। अंजम साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से यहाँ पे रेस्क्यू का जो एक स्टेशन बना है, ये साहब ये पंजाब का पहला रेस्क्यू स्टेशन है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कोई एमरजेंसी कॉल होगी, जो UC1 की होगी या नियरेस्ट होगी, वो यहाँ से रिस्पॉन्ड करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने मेडिसिन भी रखी है जो कि फ्री लोगों को मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी मैं आने वाले जितने हमारे दोस्त हैं उनका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए हमारी कॉल पे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं दावत दूंगा चेयरमैन पंजाब अमन कौंसल जनाब नवीद खालिद साहब के आए और अपने शालात का इजहार करें। सबसे पहले अपने राना खालिद साहब जिन्होंने आज खूबदार सेरेमनी के अंदर हमें मजबूत किया। सेकेंड है रिजवान असलम भट्ट साहब जो हमारे बड़े भाई हैं, जिनके साथ भी हमारा लगता है। सफदर भुट्टा साहब और अंजम साहब को भी शामिल करता हूँ। मैं रेस्क्यू 111 को खराज तहसील पेश करता हूँ, क्योंकि ये कोई डोर पार्टी या कोई बैंड बाजा की टीम नहीं है कि जो सिर्फ शादियों पे जाती है, अच्छे अच्छे लोगों के तैयारियां देखती है और अच्छे अच्छे खाने खा के आती है। ये वो लोग हैं जो अपने आप को हजरात के सामने पेश करते हैं, किसी किस्म की भी नाकानी आप पर जाती है। मुझे याद है मानिया रोड पे एक दो दफ़ा सिलेंडर का हादसा हुआ, छत गिरते हैं, आग लगती है, वहाँ पर ये सारी टीम पहुँचती है। तो ये 112 के जो नौजवान हैं, मैं राज तहसील पेश करता हूँ अपने भाई राना खालिक साहब, गुलदान साहब, आप गुलदान साहब को राज तहसील पेश करता हूँ, जिन्होंने हकीकी मैनों में जो सियासत का जो असल मैनी है उसके ऊपर जो अमल पैरा है वो तो अपने इलाके अपनी इस कम्युनिटी आवाम के लिए वो प्रैक्टिकली जो है ना इकदाम कर रहे हैं। चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने का कोई भी मिशन आते हैं, असाइनमेंट आती है, चाहे ये पीछे जो कोरोना के अंदर जितने भी रिलीफ एक्शन है उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ के जो UC1 के अभी मैंने सफदर भुट्टा साहब दोस्तों से सुनी बात, चले आप लोग ही देख रहे हैं हमारे लीडर इमरान खान ने ये जो जोक ये सब के अंदर पैदा कर दिया है, जोक के वो लोगों को वो प्रैक्टिकली काम करते देखे उनको चुने। तो मुख्तसर ये बहुत शुक्रिया भाईजान, मेरी ये दुआ है कि यहाँ पे जो एक कम्युनिटी सेंटर कम्युनिटी स्टेशन जो है रिस्पॉन्स टीम का इनेकाद किया गया है वो मुसलसल कामयाबी के साथ चले। मैं दावत दूंगा जनाब राजा अब्दुल अजीज साहब को दिवाएँ और अपने ख्याल के इजहार के। जनाब राजा अब्दुल अजीज साहब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
اسلم بٹ صاحب، آپ سکر گٹا صاحب، معزز دوستوں، اتنی بڑی خوشی ہے کہ یہ پنجاب میں واحد ایک اسٹیشن ہے جو 112 کا ایک برانچ جو ہے پہلی دفعہ بنی ہے. آج تک باہر تو کہیں نہیں بنی، یہ باہر تو دیکھے ہیں. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، رانا خان صاحب، عادت ران صاحب، جنہوں کی ان کی دیر رات دیر بارش کی وجہ سے یہ اسٹیشن یہاں پر بنا ہے، اور رضوان اسلم بٹ صاحب ہیں جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں. میں دعوت دوں گا اسلم بٹ صاحب علاقے میں کس طرح کام کر رہے ہیں، کچھ علاقے میں جہاں کچھ کام ہونے والے ہیں ان کا بھی ذرا خیال کریں، اور ان کو بھی اپنا نظر میں لائیں اور کام کرنے شروع کریں. تو میں اس کے ساتھ ہی اپنا خیالات کرتا ہوں. دعوت دوں گا جناب باؤ احمد راجپو صاحب، جو آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. الرحمن الرحیم. کم بخل کو مستی میں سلندر نہ کہوں گا، دل کو کبھی رخش سکندر نہ کہوں گا. چاہو تو مجھے سولی پہ چڑھا دو، ابو جہل کو کبھی پیغمبر نہ کہوں گا. میرے قابل احترام میں بڑا خوش ہوا انپڑھ صاحب بھٹا صاحب کی جوڑی ویکھ کے. اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی دے، انہوں کی والدہ وفا دفاع، اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت فردوس جگہ دے. میرے بھائیو تھی بڑا اچھا کام کیا پے آپ جدران دھانے خالق کی بڑی مہربانی کہ ساڈے یو سی دے کام جڑا 112 والا کیتا ہے. بڑی خوشی ہوئی ہے کسی نے کیتا پہلے بندے جنہوں نے محنت کر کے رضوان بٹ صاحب کی قیادت یہ کام شروع کیتا ہوئے. اللہ تعالیٰ انہوں نے اجر دے کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ہے لیا سارے نے لیڈر انہوں نے اور تھان سے بھی جانا ہوتا ہے. میں ادھر بھی تک سارے کا مشکور ہے تو ابھی آپ کی لوائی ہے. صدر پاس اسٹیٹ ویلفیئر سوسائٹی جناب جاوید صاحب کو دعائیں اور اپنے خیالات دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم. جیسا کہ سر ساتھیوں نے انہوں نے ان دونوں کی کاوشوں کا ذکر کیا ہے، میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ایسے ہی ویزا صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. یو سی ون میں اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو کام کے ہم کنار کرے، اور تمام دوست ان کا ساتھ دیں. جیسا کہ ہر پلیٹ فارم کے آرام کے لیے کوشش ہم نے بلا دعوت دوں گا جناب رضوان اسلم بٹ صاحب جو آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ کی بھرپور تعلیم میں جناب رضوان اسلم بٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے تمام بزرگوں کو، جوانوں کو، سب کو السلام علیکم. آج کا یہ دن، ہم سب بھائی بزرگ یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ 112 کا ایک منی سینٹر میں اس لیے عام زبان میں بولنے لگا ہوا کئی لوگوں کو آپ کے جو انگلش ورڈ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا ہم نے 112 کا دفتر آپ کے علاقے میں بنایا ہے. جب آپ پہلے 112 پہ کال کرتے تھے تو ان کا جو دور بڑا پڑا تھا وہاں سے آپ کو ریسکیو پہنچی. اب یہ آپ محلہ شمشا آباد کے لیے اسپیشل ہم نے کوشش کی ہے، جس میں صدر بھٹا صاحب نے کوشش کی ہے، اور ساتھ یہ کریڈٹ رانا حالق اور احمد ادران کو جاتا ہے جنہوں نے پرسنل ہو کے آپ کے لیے ایفرٹ کرتے ہوئے یہ 112 کا دفتر آپ کے علاقے میں بنایا.
انجم چیما صاحب کا نہایت مشکور ہوں، ان سے پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، واقعی جو ون ون ٹو ٹو کے تمام جو اہلکار ہیں وہ جو قوم کی حمایت کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قابل ستائش ہے، اور ون ون ٹو ٹو کے سارے اسٹاف کے لیے زور سے کلیپنگ ہو جائے گی۔ یہ خدمت کا ایک سفر ہے، ہم اپنے ووٹرز کے لیے، اپنے حلقے میں ان کی سہولت کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہیں، اور یہ ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ ابھی حال ہی میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان الدار صاحب آئے تھے گوجرانوالہ، اور انہوں نے ایسا ہمیں وہ ترقیاتی پیکج کا اعلان کر کے گئے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں جتنی بھی سابقہ گورنمنٹ آئی ہیں کسی نے اتنا بڑا پیکج نہیں دیا جو گوجرانوالہ کی عوام کو وہ دے کے گئے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے ہم یہ الیکشن میں بھی یہی بولتے رہے ہیں کہ سابقہ حکومتوں کو اتنا ٹائم ملا، کسی نے آپ کے پورے شہر کے لیے یونیورسٹی کی کوشش نہیں کی۔ آپ دیکھیں کہ گوجرانوالہ مین سینٹر میں بڑا سنتی شہر ہے۔ اس دن سی ایم صاحب سے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر جو ہے فیصلہ باد کے بعد جو ہے ہم ٹیکس دیتے ہیں ہماری مینوفیکچرنگ اور یہاں اتنی زیادہ محرومیاں رہی ہیں۔ آپ یہ حساب لگا لیں کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ لاہور جا کے پڑھتی ہیں یا گجرات جا کے پڑھتی ہیں، گجرات یونیورسٹی بن گئی، ناروال یونیورسٹی بن گئی، لاہور یونیورسٹیاں بن گئی، پیچھے حافظ آباد یونیورسٹی مل گئی، اعلان ہو گیا، لیکن گجرانوالہ کو محروم رکھا۔ سیالکوٹ بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کا آپ کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے یونیورسٹی کا۔ اس کے بعد چلڈرن ہاسپٹل آپ کو ملنے لگا ہے، اور یہ بھی پنجاب کا تیسرا چلڈرن ہاسپٹل ہے لاہور فیصل آباد کے بعد، پورے پنجاب میں کہیں اور چلڈرن ہاسپٹل نہیں ہے۔ آپ کے بچوں کے لیے سرکاری اسپتال جو ہے چلڈرن اسپتال کا بھی اسپتال لگا ہے، موٹر وے بننے لگا ہے، رنگ روڈ بننے لگے ہیں، چندہ قلعہ فلائی اوور بننے لگا ہے، آلم چوک فلائی اوور بننے لگا ہے۔ یہ ہمارے گوجرانوالہ شہر سارا چندہ قلعہ تک سگنل فری ہو جائے گا، جس طرح لاہور کا جو روڈ ہے اس طرح کا بننے لگا ہے، یعنی ریکارڈ ترقیاتی کام ہونے لگے ہیں۔ سیٹرائٹ ٹاؤن ڈگری کالج جو ہماری بچیوں کا کالج ہے، وہاں مجھے چونکہ پتا ہے کہ ہر سال بچیاں بی ایس میں ایڈمیشن جاتی تھی اور وہاں سیٹیں بہت کم تھی اور وہاں پہ ایڈمیشن نہیں تھی، وہاں بھی میرے اللہ صاحب نیا بلاک بی ایس کے لیے وہ اناؤنس کیا، اور وہ بلاک لڑکیوں کے کالج میں بننے لگا۔ تو اس طرح کے بے شمار کام ایسے ہیں جو آپ کی حمایت کے لیے ہم کر رہے ہیں، اور اسی طرح یہ ایک چھوٹی ایک کوشش ہماری ریسکیو ون ون ٹو ون کے لیے بھی آپ کے علاقے میں۔ صفدر بھٹا صاحب میرے بہت ساتھی ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، منظور ہوگا، لیکن بات یہی ہے کہ جو سنگر بھٹا صاحب نے کہا یہ علاقہ یہ آپ کے بچے ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، محنتی ہیں، آپ ان کے اوپر بھی دست شفقت رکھیں، ان کو ساتھ لے کے چلیں، یہ آپ کے دعوے دار ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ راجا صاحب، باؤ صاحب، یہ بھی ہمارے ساتھ ہوئے ہیں، ہم سارے ایک مل کر ٹیم کی صورت میں آپ کی قیادت میں یو سی ون کو لے کر چلیں گے اور انشاءاللہ آپ جس طرح سے ریفرنسی کرتے ہیں۔ لو جی، رانا صاحب نے کہا کہ پیکج تو ساڈے بھٹا صاحب مینوں آندے آندے بھی کہتے ہیں بھائی یار کوئی گلیاں کوئی چار بنوا دے، تو بھٹا صاحب تے رانا حالت صاحب کی ڈیمانڈ نے 50 لاکھ روپے کا اعلان بھٹا صاحب کیا بات ہے، گلیاں چھڈ دیو، یہ مین ساری سٹریٹ بنا دیو، ساری یہ ڈیمانڈ ہے، اور تھوڑی صفائی کرا دیں، صفائی اور مین سٹریٹ، یہ وہ میری نہیں، ہر کس بندے بھی اس کو پوچھو گے وہ گل ہی کہے گا کہ مین سٹریٹ کراؤ تو صفائی کراؤ۔
ये दो चीज़ें इन्होंने अज एक साल पहले भी कह दिया सर कि आप इसी चीज़ों से वादा भी किया शुक्र जी अब दोबारा फिर मैं कह रहा हूँ सियासी हक रुक गया ये मेन सीट बनाई है सर और बिल्कुल इग्नोर कर दे सीट बनाओ और ये सफाई कराओ बस प्लीज यही सारी आपके काम से रहेगा इन शाह कला आइंदा भी आने वाले वक्तों में भी आपके जितने इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह बंद करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया जी मैं तमाम अपने मौजूदीन मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आए इधर और साथ साथ मैं अपने टाइगर फोर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ लेकिन उस दौर में भी ये टाइगर फोर्स के नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ जिस तरह वो बहादुरी के साथ अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपने कायद इमरान खान की बात के ऊपर बाहर निकले थे और यही वजह और इसी वजह से गुजरा वाला में मैंने राणे हाले को पूरे सिटी का सिटी मेयर बनवाया आप सारे मेहनत करेंगे इंशाल्लाह इसी तरह सफर आगे बढ़ता जाएगा बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान जिंदाबाद जी ये सारी हमारी मीटिंग जो है वो हो चुकी है बड़ा मज़ा आया है बहुत मज़े की बातें मिली हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब भी इंजॉय करेंगे देखेंगे और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करें।